प्रयागराज के माघ मेले में विश्व हिंदू परिषद इस बार भी कैंप लगाकर संत सम्मेलन समेत तमाम कार्यक्रम आयोजित करेगा। परिषद को मेला क्षेत्र के परेड ग्राउंड पर जिस जगह जमीन आवंटित की गई है वहां कैंप लगाने के लिए आज भूमि पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। भूमि पूजन के इस कार्यक्रम में राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के वरिष्ठ सदस्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती के साथ ही तमाम संत महात्मा व अन्य प्रमुख लोग मौजूद थे। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भूमि पूजन के बाद आज से कैंप को तैयार करने की शुरुआत कर दी गई है। विश्व हिंदू परिषद के कैंप में इस बार विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं। परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष कविंद्र प्रताप सिंह के मुताबिक 22 जनवरी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद वहां रोजाना लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन पूजन के लिए जाएंगे। इनमें से तमाम श्रद्धालु ऐसे भी होंगे जो प्रयागराज के माघ मेले में आकर यहां संत महात्माओं का आशीर्वाद लेंगे और साथ ही गंगा में आस्था की डुबकी लगाएंगे। इसी वजह से इस बार विश्व हिंदू परिषद के कैंप समेत समूचे मेला क्षेत्र में पिछले सालों के मुकाबले ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। ये देखिए, आज माघ मेले के इस विश्व हिंदू परिषद कैंप का भूमि पूजन हुआ है और यह वर्ष इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जब रामलला की मूर्ति की स्थापना होगी उसके बाद बहुत सारे जो हमारे अतिथिगण हैं वो वहाँ से यहाँ आएंगे। वो लोग बनारस जाएंगे, कुछ लोग प्रयाग आएंगे, तो उनके लिए भी हमें तैयारी करनी है। और यह ही विशेष महत्व का पर्व है हमारे लिए माघ मेला, कि जो भी हमारे पूरे देश से हमारे अतिथि आए उनको यह लगे कि उनका स्वागत मेले में हुआ है, उनको एक स्थान मिल सके जहां वह रुक करके स्नान कर सके और संगम की प्रार्थना कर सके। तो इसलिए भी आज का दिन महत्वपूर्ण है। यह कैंप पूरे हिंदू समाज को, पूरे भारत के समाज को, चाहे वो सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम, जो भी हमारे भारतीय परंपरा को मानते हैं, उन सभी का स्वागत करने के लिए कैंप तैयार हो रहा है। और आज इसकी भूमि पूजन था। जगतगुरु शंकराचार्य यहाँ मौजूद हैं। सम्मेलन होगा, कोई हिंदुओं का कार्यक्रम इस जी, यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर संत, जो हमारे संत हैं, उनका एक प्रस्ताव हर मेले में हम लोग करते हैं जो देश के लिए उपयोगी हो, समाज के लिए। तो संत सम्मेलन में संतों की जो प्रस्ताव पारित करते हैं उस पर हम विश्व हिंदू परिषद के लोग काम करते हैं। तो यहाँ संत सम्मेलन होता है, यहाँ समरसता का सम्मेलन होता है, यहाँ पर समाज के सभी वर्गों का एक जुड़ाव होता है। और यहाँ आकर के हम विभिन्न जो हमारे प्रतिनिधि वर्ग हैं, एडवोकेट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, चिकित्सक, उन सारे लोगों का हम यहाँ पे प्रतिनिधि सभा होती है और उन लोगों का जो मार्गदर्शन मिलता है उसको लेकर के हम सभा में जाते हैं। कविंद्र प्रताप सिंह के मुताबिक कैंप एक हफ्ते में बनकर तैयार हो जाएगा। इस बार भी संगठन की तरफ से संत सम्मेलन समेत कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा संगठन के साल भर चलने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा भी यहीं तय की जाएगी। माघ मेला 14 जनवरी से 8 मार्च तक चलेगा। यहाँ पर सबसे बड़ी संतों की प्रतिनिधि सभा की बैठक होगी और उनका जो निर्णय होगा वही निर्णय हम लोग मानते हैं। इसके साथ साथ चिकित्सकों का एक बड़ा सम्मेलन होता है और जो हमारे समरसता का एक बहुत बड़ा सम्मेलन होता है कि समाज के सभी वर्ग, चाहे वह किसी भी जाति और संप्रदाय से हों, सभी लोग आते हैं और उनसे बीच में विचार विमर्श करके जो विचारधारा निकलती है। वैसे भी ये परंपरा रही है गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर।